इसमें रहमान रहीम। इस वीडियो में आज हमारे क्लाइंट कमेंट्स में अक्सर पूछते हैं कि हेयर लेज़र रिमूवल के बारे में, यानी बालों को लेज़र के ज़रिए कैसे हटाते हैं, इसके बारे में वीडियो बना दें। तो आज हमने प्लान किया कि लेज़र के साथ आप लोगों को मैं स्टेप वाइज हेयर रिमूवल का तरीका भी बता दो और थोड़ा लेज़र के बारे में समझा दो कि लेज़र की कितने टाइप्स होती है बालों को हटाने के लिए और कौन कौन से लेज़र इस्तेमाल होती है। तो बालों को हटाने के लिए, बालों को रिमूव करने के लिए तकरीबन मार्केट में तीन किस्म के लेज़र होती है। एक होती है एंड याग लेज़र, दूसरी होती है डायोड और तीसरी होती है IPL। तो एंड याग लेज़र जो होती है वो सबसे स्ट्रांग लेज़र होती है, वो कम सेशंस में आपके बालों को तकरीबन 98-95% ख़त्म कर देते हैं और जो बाल रह भी जाते हैं तो वो फाइन रह जाते हैं। दूसरा टाइप है डायोड लेज़र। जो डायोड है वो दरमियाना टाइप है, वो ना इंडिया की तरह ना बहुत स्ट्रांग है और ना IPL की तरह कमज़ोर है। और थर्ड टाइप है IPL लेज़र। IPL लेज़र का मशीन सस्ता होता है लेकिन उसके जो सेशंस होते हैं वो आपको बालों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे सेशंस की ज़रूरत होती है। और डायोड की तकरीबन, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की अगर आपको 8 सेशन लगते हैं तो डायोड्स की 12 सेशन लगेंगे और IPL की कम से कम 15-16 सेशन लगेंगे। तो जितना मशीन इसका एक्सपेंसिव होगा, इंडिया होगा, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इंडिया लेज़र के बारे में थोड़ा समझाऊँगा। पहले मशीन दिखाऊँगा, फिर इसकी जो फ्रिक्वेंसी हम सेट करते हैं, एनर्जी सेट करते हैं, फिर जब लेज़र करते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब इसको अगर देखें, यहाँ पे इसकी स्क्रीन होती है, इसको मैं स्टार्ट से आप लोगों को ऑन और ऑफ करके बताता हूँ। ये मशीन है, ये चाबी से ऑन होता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये पे लिखे लॉन्ग पल्स एनडी याग लेज़र्स। तो आप लोग जब भी बालों को हटाना हो तो आप लोग पहले मशीन को चेक करें कि ये वाकई एनडी याग लेज़र है कि नहीं है। इसको हम एंटर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम आप भी जो मरीज़ दिखाएंगे तो वो फेस या नेक पे, इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको ये 9 mm पोर्ट सेलेक्ट करना होता है और इसकी एनर्जी इसमें सबसे कम 10 पे होती है, फिर 20 पे, 30 पे, 40 पे, लेकिन यूजुअली हमारी जो स्किन टाइप्स होती है तो उसमें 30 से हम करते हैं तो उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एनर्जी मैंने 30 पे किया, फिर इसमें कूलिंग होता है तो कूलिंग को आपने फुल करना है तो इसकी वजह से वो पोर्ट जो है ना वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। फिर इसको आप स्टैंड बाई कर दें, फिर जब आप इस पर हम करेंगे तो उस टाइम इसको रेडी करेंगे। ये इसका पोर्ट होता है, ये पोर्ट है, सब कुछ इसी में। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हमने इसको लेज़र करना है तो बालों के साथ उस जगह को पहले टच करते तो ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाते, तो वो जगह को हमने पहले नंबिंग क्रीम भी लगाई होती है, फिर ये भी लगाते तो इसकी वजह से इसमें पेन कम होता है। हाँ, लेज़र्स के नुकसान क्या है, लेज़र के नुकसान का भी अक्सर लोग पूछते हैं। लेज़र से इस तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि जिससे कैंसर बन जाए या कोई आपका सिस्टम ख़राब हो जाए। लेज़र से सिर्फ ये हो सकते हैं क्योंकि लेज़र की जो एनर्जी होती है वो कंट्रोल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसने 9 mm दीप जाना है तो ये वापस आ जाती है, ख़त्म हो जाती है, ये बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता है। हाँ, आंखों पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आंखों को बचाना चाहिए, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है लेज़र के लिए। तो मरीज़ की आंख की भी प्रोटेक्टेड हो, आपकी भी प्रोटेक्टेड हो, फिर उसके बाद जो है ना आपने लेज़र का प्रोसेस करने है। तो साइड इफ़ेक्ट में ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लेज़र कर लिया या यहाँ पे कर लिया तो आपका स्किन जो है ना जल सकता है। कभी कभी स्किन सेंसिटिव होती है तो ज़्यादा जल जाता है, कुछ में कम जल जाती है, लेकिन वो जलन भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। वो नॉर्मली ब्रूजिंग या रेडनेस तो हर किसी को होता है, लेकिन जो जलना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जगह डीप जल गया तो भी 7-10 दिन में ठीक हो जाता है, और अगर उसको सही ट्रीट किया जाए, धूप से बचाया जाए तो उसमें निशान भी नहीं बनते। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये जो अभी मैंने क्लाइंट को लिटाया है, मेरा अपना स्टाफ है तो उसके फेस पे भी हेयर है और नेक पे भी है। ये कभी कभी लेज़र एक दो दफ़ा इसने पहले भी किया है, तो आज इस पर मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने गूगल्स पहने लेज़र प्रोटेक्शन के लिए। ये ग्लासेस पहले मरीज़ को देने होते हैं, मरीज़ की आंखों को प्रोटेक्ट करने हैं आपने, वाच आउट, और फिर ख़ुद भी पहनने ताकि आपकी आंखें महफूज हो जाए। सलीम पोर्ट। फिर इसके फेस पे मैं दिखाऊंगा,
मशीन को पहले हम रेडी करेंगे। ये रेडी का बटन आपने ठीक है, अब ये रेडी है। इसमें फायर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसका पोर्ट है, इसका एक बटन है, जिस तरह पिस्टल से हम फायर करते हैं इसी तरह सेम इस पे भी करते हैं। तो जिस जगह पे मैंने करनी होती है, देखो पहले उस जगह पे पोर्ट रखा, उसको मैंने ठंडा किया ताकि ये बाल जलाए और स्किन को बचा ले। ये देखो ये एक शॉट हो गया। इसके साथ क्या होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बाल का वो भी जल जाते हैं और रूट पे भी इफ़ेक्ट पड़ जाते हैं। तो ये एक सेशन में ख़त्म नहीं होता है, कम से कम 7-8 सेशन इंडिया की भी ज़रूरत होती है अगर आपने कम्प्लीटली बालों को ख़त्म करने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर आप दूर से सिर्फ करें तो बाल तो जल जाते हैं लेकिन इसके रूट पे इफ़ेक्ट कम पड़ती है। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि इसको हम टच करें इसके साथ और एक जगह पे एक बार होनी चाहिए। तो क्या होता है कि स्किन के साथ टच करने से इसकी जो निचले वाला सरफेस है वो अक्सर बालों की वजह से वो जल जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो इसको बार बार साफ करनी चाहिए। अब ये देख, अब ये जगह जो है इसका तकरीबन कंप्लीट हो गया। तो अभी फर्स्ट सेशन के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप करेंगे तो पहले सेशन में आपके बाल इसके साथ कम हो जाते हैं, फिर दूसरे सेशन के साथ और भी कम हो जाते हैं, फिर तीसरे सेशन के साथ कम होते हैं। तो तकरीबन मैं 8 सेशन रिकमेंड करता हूँ। दूसरी बात ये कि लेज़र से बिल्कुल 100% तो ख़त्म नहीं होते, 1-2% रह जाते हैं, लेकिन वो बाल भी बहुत फाइन फाइन होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि साल के बाद या 2 साल बाद कोई 1-2 सेशन फिर कर ले तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और एक बात याद रखे कि लेज़र जो है वो सिर्फ काले बालों को टारगेट करता है, क्योंकि लेज़र में जो प्रॉपर्टी है बाल को डैमेज करने का वो ये ब्लैक पिगमेंट है इसके बाल के अंदर, हेयर फॉलिकल के अंदर जिसको रूट बोलते हैं, तो वही मेलानिन को टारगेट करते हैं। अगर बाल ब्लैक नहीं है और आप लेज़र करते हो तो ऐसे ही फजूल है, वाइट या ग्रे बालों के लिए भी नहीं है। बाल ब्लैक जितना हो, जितना मोटा हो, उतना लेज़र उस पर इफ़ेक्टिव होगा। तो साइड इफ़ेक्ट का मैंने बताया, आप देखो इसका ये जगह बिल्कुल रेड हो गया, ये रेडनेस होती है। इसके लिए फिर मैं हम क्रीम देते कि 1-2 दिन ये लगा दे, और दर्द बिल्कुल नहीं करते। दर्द के लिए होता है कि पहले हम नंबिंग क्रीम लगा देते, फिर वो पोर जो है वो भी ठंडा हो जाता है। तो इसको आइस के साथ टच करके ठंडा हीट प्रोडक्शन से उसको इस तरह बचाते कि वो जगह ठंडी हो जाए, तो फिर उसके बाद लेज़र करें तो फिर वो जगह जलाएगा नहीं। और दूसरा तरीका है कि एक जगह पे 2 या 3 दफ़ा नहीं करना है, एक जगह पे एक शॉट, दूसरी जगह पे दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस रखनी चाहिए ताकि आप किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट से महफूज हो। उम्मीद है कि हेयर रिमूवल बाय लेज़र आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।